हाय एस्पिरेंट्स, जय हिंद। आज से मैं अपने चैनल में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज जनरल अवेयरनेस सीरीज चालू कर रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ एन आर्मी ऑफिसर। सो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने लिया है वो है अग्निपथ स्कीम। यस, यू गॉट इट राइट, अग्निपथ स्कीम। इस वीडियो में मैं आपको व्हाट इज अग्निपथ स्कीम, व्हाई द स्कीम, ये स्कीम लागू क्यों हुआ, हाउ कैन एनी वन अप्लाई फॉर द स्कीम, इसके बेनिफिट्स, इसके चैलेंजेस और इसके फ्यूचर के बारे में बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। ये एक नई पॉलिसी है जिसमें एक अनमैरिड यूथ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक 4 साल की सर्विस फॉर द मदरलैंड है और जो रिक्रूट्स होंगे उनको अग्निवीर कहा जाएगा। और ये स्कीम 14 जून 2022 से इम्प्लीमेंट हो चुकी है। आखिर ये स्कीम लाया क्यों गया? जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्म फोर्सेस के ऊपर बहुत खर्चा किया जाता है और उस खर्चे का ज़्यादातर हिस्सा उसके पेंशन आदि चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। तो उस खर्चे को कम करने के लिए और उस पैसों को नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और नई चीज़ें खरीदने के लिए लगाया जाए। और जो एवरेज एज प्रोफाइल है जो 32 से 34 है वो 25 से 26 इन 7 सालों में आ जाएगी। और जो 46,000 वेकेंट पोस्ट हैं जो सोल्जर रैंक में हैं जो कोविड से भरे नहीं गए हैं वो भी इस स्कीम के लागू होते ही भरी जाएंगी। आखिर एक यंगस्टर, एक अनमैरिड यूथ कैसे अप्लाई कर सकता है? वो जाके join indianarmy.nic.in में जाके लॉगिन करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है। उसमें एक डेडिकेटेड अग्निपथ एक टैब है जिसमें उसकी एलिजिबिलिटी, रैली के सारे डिटेल्स वहाँ से ले सकता है और अप्लाई भी कर सकता है। आखिर इस अग्निपथ स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। इसके बेनिफिट्स, नंबर वन, आपको एक 11 से 12 लाख रुपए अंत में, 4 साल के अंत में दिए जाएंगे। आपका एक लाइफ इंश्योरेंस होगा उन 4 सालों में, दैट विल कॉस्ट अराउंड 48 लाख रुपीज। आपको अंत में एक स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि आपके स्किल्स, आपकी काबिलियत को दर्शाएगा। आपको बैंक लोन्स में बहुत मदद मिलेगी और आपको बाकी CAPF, असम राइफल्स, स्टेट पुलिस फोर्सेस में भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। और उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आप कॉरपोरेट वर्ल्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपकी पर्सनालिटी के लिए आपको लिया जाएगा। इस स्कीम के साथ चैलेंजेस भी बहुत हैं बेनिफिट्स के साथ साथ। हाँ, आपको 4 साल बाद एक नया करियर ज्वाइन करना पड़ेगा, एक नया स्टार्ट लेना पड़ेगा। आपका जो 11 से 12 लाख रुपए जो आपको मिलेंगे वो आपके मंथली सैलरी के कॉन्ट्रीब्यूशन से दिए जाएंगे। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पेंशन नहीं दिया जाएगा और ये सिर्फ नॉन कमीशन रैंक के लिए है जो कि नायक, सिपाही एक्सेट्रा। और बहुत इंपॉर्टेंट, एज लिमिटेशन जो कि 17.5 से 23 साल तक की आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये तो वक्त ही बताएगा कि ये कितना यूज़फुल है और इसका कितना इम्पैक्ट है। बट येस, एज ऑफ नाउ एज एन SSB आर्मी ऑफिसर एस्पिरेंट आपको इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये आपके ग्रुप डिस्कशंस, आपके एक्सटेम्पोर, कहीं पे भी आ सकता है और आपको इसको आगे बोलने का मौका मिल सकता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ एंड ऑल दी बेस्ट फॉर अपकमिंग SSB। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।